हाय गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, दिस फरियाद राव। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल निफ्टी 50 में क्या होने वाला। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखते हो तो मैं डेली आपको बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट ओपन होने वाले हैं। अभी तक हम एक बार भी गलत साबित नहीं हुए। तो चलिए, मैं इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंस लेवल बता देता हूँ कि कल आप इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन मार्केट कितना ज़्यादा साइडवेज रहा है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलिए मैं आपको कल के लिए बता देता हूँ कि कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है, किस तरह से आपको मार्केट में काम करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं वनडे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। तो वनडे टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर या साइडवेज ही ओपन होने वाला है। देखिए, ये एक जोन है 21,800 और यहाँ पर 21,500। या तो मार्केट 21,800 को ऊपर ब्रेक करे या फिर 21,500 को नीचे ब्रेक करे, तब जाकर मार्केट में आपको बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है। चलिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ। तो हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 726 को अगर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, अगर इसको ब्रेक करता है तो ईज़िली हमें 21,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले टारगेट आपको राउंड नंबर का रखना है, यानी कि 21,750 का, और उसके बाद 21,800 का आप टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट कहीं पर गैप डाउन ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है तो आपको इजीली यहां तक का टारगेट मिल सकता है। क्योंकि देखिए, इन लेवल को मैंने किस बेसिस पर ड्रॉ किया है। देखिए, यहां पर ये जो लेवल है 21,600 का लेवल है, यहाँ से एक बार बाइंग हुआ है और यहाँ से भी बाइंग हुआ है और यहाँ से भी बाइंग हुआ है और यहाँ से भी बाइंग हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जब भी मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से बायर अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आप इसको देखते हैं, 21,723 को देखते हैं, तो यहाँ पर जब भी मार्केट आता है तो यहाँ से सेलिंग ही होता है। देखिए, यहाँ से एक बार सेलिंग हुआ, यहाँ पर जब भी मार्केट आ रहा है तो यहाँ पर सेलिंग ही हो रहा है। देखिए, मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है, 21,800 के और 21,500 के एक जोन में फंसा हुआ है। अगर मार्केट इन दोनों को कहीं पर ब्रेक करता है तब जाकर मार्केट में आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।